तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर के, जिसमें कि मैं बताने वाला हूँ आपको मोटरोला एज नियो 40 के बीच में डिफरेंस और साथ में जो है इसके साथ कंपेयर करूंगा दूसरा फोन जो कि है हमारा रियलमी 11 प्रो 5G फोन का। इस दोनों का कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे रियलमी 11 प्रो का 5G का जो प्रोसेसर है ना वो बड़ा है, लेकिन सिर्फ प्रोसेसर बड़ा होने से क्या हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी स्पीड ज्यादा आने वाली है, इसकी परफॉर्मेंस बेटर आने वाली है, वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आगे दूसरी क्या चीज हम ये बता पाएंगे कि अगर जो है इसका, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी इसका जो है ना प्रोसेसर के साथ कैमरा भी बड़ा है रियलमी 11 प्रो का, ठीक है। तो क्या इसका कैमरा बड़ा होने से इसकी क्लैरिटी अच्छी आएगी, इसके रिव्यूज वगैरह के बारे में बात करेंगे कि क्लैरिटी किसकी ज्यादा बढ़िया आती है, ठीक है। मोटोरोला कैमरा छोटा है, इसका कैमरा बड़ा है, जबकि दोनों में मैक्रो कैमरे का भी डिफरेंस है। तो देखते हैं कि मैक्रो कैमरे का क्या रोल रहता है और क्या दोनों की क्लैरिटी में किस तरीके का डिफरेंस आता है वो हम देखने वाले हैं आगे की वीडियो में गाइस। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे को फटाफट से बता दो भाई, जो मोटोरोला के सपोर्टर हैं वो जल्दी से बता दो मुझे कौन कौन है मोटोरोला के सपोर्टर, और जो रियलमी 11 प्रो का सपोर्ट करते हैं वो भी बता दो, देखता हूं कौन ज्यादा किसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं, मोटोरोला को या फिर रियलमी 11 प्रो को गाइस। तो जल्दी से आप बताओ मुझे कौन किसका सपोर्टर है, आज देखते हैं कौन विनर होने वाला है गाइस इस वीडियो में। चलो जल्दी से फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स डू इट गाइस। तो गाइस जल्दी से यहां पे डिफरेंस देख लेते हैं स्क्रीन पे रियलमी 11 प्रो 5G में और मोटोरोला एज 40 नियो में। दोनों की अपने अपने फीचर्स हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि इसका जो कैमरा है वो 100 मेगापिक्सल का है यहाँ पर रियलमी 11 प्रो जी का। वहीं पे अगर मैं मोटोरोला की बात करूँ तो मोटोरोला का जो कैमरा आपको मिल जाता है वो मात्र जो है 60 मेगापिक्सल का कैमरा है, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के, मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ आपको। इसका 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है मोटोरोला एज 40 नियो का। और साथ ही साथ फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो रियलमी 11 प्रो का फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, जबकि मोटोरोला एज 40 नियो का जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करूं तो दोनों में ही आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जबकि जो वीडियो कैमरे की क्वालिटी है वो रियलमी 11 प्रो की ज्यादा अच्छी नहीं है, इसकी ज़्यादा बढ़िया है मोटोरोला एज 40 नियो की, ठीक है। इसके अंदर UHD वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों की फुल HD डिस्प्ले है यहाँ पे। और एक जो बेच चीज है इसका 144Hz का रिफ्रेश रेट है, इसका जो है मैक्सिमम रिफ्रेश रेट वो 120Hz का है रिफ्रेश रेट, यानी कि गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मोटोरोला एज 40 नियो की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कैमरे के लिए फोन को लेना चाहते हैं, ठीक है, कैमरा वाले फीचर्स और बैटरी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो फिर आप रियलमी 11 प्रो की तरफ जा सकते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। इसमें 20x का जूम भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ दोनों में जो है OTG कंपेटेबल टाइप सी यहाँ पे USB मिल जाती है, ठीक है। ब्लूटूथ वगैरह दोनों में आएगा यहाँ पे। और उसके अलावा जो मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा वाटर रेजिस्टेंट फोन है मोटोरोला एज 40 नियो यहाँ पे, ठीक है। मोटर जो है वो ये वाटर रेजिस्टेंट फोन है, साथ ही इसका जो प्रोसेसर है वो डायमेंसिटी 7030 है, इसका प्रोसेसर बड़ा है, रियलमी 11 प्रो का प्रोसेसर बड़ा है, मोटोरोला एज 40 नियो का जो प्रोसेसर है वो छोटा है। बैटरी दोनों की सेम है, 5000mAh की है। कैमरे का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इसका कैमरा ज़्यादा बड़ा भी है, 100 मेगापिक्सल का है, उसका 50 मेगापिक्सल का है, ठीक है। जबकि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल प्लस 30 मेगापिक्सल अलग से मिलता है आपको मैक्रो कैमरा, और दो मिलते हैं यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मिलता है आपको मैक्रो कैमरा और 100 मेगापिक्सल का, इसीलिए इसकी क्लैरिटी जो है वो ज्यादा बढ़िया आएगी आपकी। इसकी कैमरा की रेटिंग 4.1, बैटरी की 4.1, डिस्प्ले की 4.8, डिजाइन की 4.8, ठीक है, मोटोरोला एज 40 नियो की रेटिंग्स है। और अगर रियलमी 11 प्रो की रेटिंग्स की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी रेटिंग्स उससे कम है, यहाँ पे 3.9 की कैमरा की रेटिंग है, 4.0 बैटरी, 4.5 डिस्प्ले और 4.5 ही यहाँ पे जो है डिजाइन की, 4.4 डिजाइन की रेटिंग है। तो मोटोरोला की रेटिंग ज्यादा, जबकि यहाँ पे रिव्यूज जो है इसके 24,000 के करीब रिव्यूज है हमारे रियलमी के, जबकि मोटोरोला के जो रिव्यूज है वो सिर्फ यहाँ पे 299 रिव्यूज है यहाँ पे, यानी कि ज्यादा लोगों ने रियलमी 11 प्रो को ही परचेज किया है यहाँ पे। और आप देख सकते हो 100 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे दिखा रहा है, सपोर्ट्स OIS 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 120Hz का मैंने को बताया रिफ्रेशमेंट रेट मिलता है, कर्व्ड डिस्प्ले दोनों में मिल जाती है, दोनों में ही कर्व्ड डिस्प्ले यहाँ पे। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और 256GB तक इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पे, और 267W का सुपर फास्ट चार्जर मिलता है यहाँ पे, इसमें 68W का सुपर फास्ट चार्जर मिलता है आपको मोटोरोला में, ठीक है। और ये जो है आपका अंडर वाटर प्रोटेक्शन भी देता है आपको, यानी कि अगर कोई जैसे बारिश वारिश आ रही है या फिर आपका फोन खराब नहीं होगा पानी में, ठीक है, अंडर वाटर प्रोटेक्शन अगर आप इसको फोन को यूज करके देते हो, नहा भी लेते हो तब भी आपका फोन खराब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेजर से यहाँ पे डिफरेंसेस हैं जो दोनों में आपको मैंने बताए बेसिकली, ठीक है। यानी कि इस टाइम पे जो है दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन की अगर बात करूं तो ये दोनों में सेम है, 8GB रैम, 128GB, ठीक है। प्राइस भी दोनों के सेम है, 21,000 के इस टाइम मिल रहे हैं सेल में दोनों, ठीक है। डिस्प्ले इसकी बड़ी है रियलमी 11 प्रो की, इसकी 17 इंच की डिस्प्ले, यानी कि 6.7 की फुल HD डिस्प्ले, इसकी 6.55 इंच की डिस्प्ले है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में भी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि डिस्प्ले जो है वो रियलमी 11 प्रो की बड़ी है, और प्रोसेसर भी इसका बड़ा है, ठीक है। और
यहाँ पर दो तीन चीजों का डिफरेंस है जो कि रियलमी 11 प्रो में अच्छा मिलेगा आपको सेम प्राइस में, इसीलिए लोग इसको ज्यादा खरीद रहे हैं। अदरवाइज जो कैमरा की क्लैरिटी है वो आपकी मोटोरोला एज 40 नियो की अच्छी है, और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपका मोटोरोला एज 40 नियो में बढ़िया आएगा गाइज। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सारा क्या क्या इसमें डिफरेंसेज है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। मिलने वाला हूँ आपसे एक और ऐसे नेक्स्ट कंपेरिजन में बढ़िया से।